सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में होममेड चिकन नगेट्स की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ, लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह हमारी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख सके। इसके साथ आपने एक और इम्पोर्टेंट काम करना, वो ये जो भी वीडियो हम डेली बेसिस पे अपलोड करते हैं आपने इसको अपने फ्रेंड सर्कल में लाजमी शेयर करना है, इससे मजीद हमें आपकी लव और सपोर्ट मिलेगी। तो चलिए देखते हैं चिकन नगेट्स बनाने के लिए हमें कौन से इंग्रीडियंट्स रिक्वायर होंगे। तो इसके लिए मैंने ये आधा किलो चिकन का कीमा लिया है जिसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया। चलिए क्विक रिव्यू में देखते हैं कि इसको किस तरह चॉप करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, मैंने आधा किलो जो है वो मुर्गी की चेस्ट ली थी जिसको मैं कीमा बनाने लगी हूँ चॉपर में डालकर। एक पीस मैं ऑलरेडी डालकर चॉप कर चुकी हूँ, अब हम बाकी के पीसेस इसमें डाल लेते हैं और इसको चॉप करते हैं। इसके बाद मैंने एक प्लेट ब्रेड क्रम्स लिए हैं, चार जो है हमने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं किनारों समेत, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा एक चम्मच जो है मैंने सोया सॉस इस्तेमाल की है, जीरा पाउडर एक चम्मच, काली मिर्च एक चम्मच, लहसुन पाउडर एक चम्मच, नमक हसबे जायका मैंने आधा चम्मच लिया है। थोड़ा सा इसको देसी टच देने के लिए हमने सब्ज मिर्च का इस्तेमाल किया है, अगर आपको तीखा नहीं पसंद तो आप मत इस्तेमाल करें। एक अंडा हमने और साथ में एक कप जो है वो दूध का लिया है। तो चलिए देखते हैं कि नगेट्स बनाने की रेसिपी किस तरह होगी। ये मैंने ब्रेड का चूरा कर लिया, आपने इस तरह बाकी के जो दो स्लाइस हैं इस तरह लेकर इसको चूरा बना लेना। अब मैं इसके अंदर जो है हम दूध शामिल करेंगे, हमने सिर्फ इसलिए डालना है ताकि जो हमारी ब्रेड है वो अच्छे से नरम हो जाए। तो जब तक ये नरम हो रही है हम इसको करते हैं साइड पर, कीमे को करते हैं इधर। अब मैं इस कीमे के अंदर सारे मसाले डालती जाऊंगी, जीरा पाउडर, लहसुन पाउडर, अगर किसी के पास लहसुन पाउडर नहीं है तो वो पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकता है, सोया सॉस, काली मिर्च, नमक और ये हरी मिर्च, आप चाहें तो इसको काट कर डालें, मैं साबुत ही डाल दूँ। और लास्ट पर हम अब इसके अंदर मैं ब्रेड शामिल करूंगी। अब ये वाली ये देखें ब्रेड जो है वो बहुत अच्छे से इसने दूध को सोक कर लिया, अब मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ। अब हम इन्हें दोबारा चॉपर की मदद से चॉप कर लेंगे। मैंने इसमें सारा कुछ अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसको इसके अंदर लगाकर अब मैं इसको मिक्स करने लगी हूँ। ये देखें व्यूअर्स, हमारा नगेट्स का जो कीमा मिक्स है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब हम इसकी मदद से नगेट्स बनाते हैं। चलिए व्यूअर्स, अब हम नगेट्स बनाने लगे हैं। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा कप में ऑयल ले लिया है, इसको हम इस तरह हाथों पर लगाकर अच्छे से अपने हाथों को ग्रीस कर लेंगे और यहां से थोड़ा सा कीमा लेंगे, इसका एक अच्छा सा बॉल बना लेंगे ऑयल से, ये फिर हमारे हाथों पर इसका कीमा जो है वो चिपकेगा नहीं। जिस तरह की भी आपने शेप देनी है वो आपने शेप बना लेना है। ये देखें मैंने एक बनाकर इस तरह रख दिया और मैंने दोबारा ऑयल जो है वो नहीं लगाया, आपने इसको तब तक ऑयल दोबारा नहीं लगाना जब तक आपके हाथ पे कीमा जो है वो चिपकता नहीं। अब इसी तरह मैं सारे नगेट्स रेडी कर लूंगी। ये देखें व्यूअर्स, हमने नगेट्स इस तरह बनाकर ट्रे में रख ली है, अब मैं क्या करूंगी, साथ में मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं और अब एक अंडा जो है हम बाउल में डालेंगे। एक अंडा ले लिया मैंने, अब इसको हम अच्छे से बीट करेंगे। अब ये अच्छे से हमारा जो अंडा है वो बीट हो चुका है, अब मैं इस तरह एक नगेट पकड़ूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर डालूंगी।
और इसको जो है हम ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। इस तरह फिर हम एक अंडे में डालते जाएंगे और डिप कर एक खुशक हाथ से हम इसके ऊपर अच्छे से ब्रेड क्रम्स जो हैं स्प्रिंकल कर लेंगे। अब मैं इसको इसकी जगह पर ही रखती जाऊंगी। ये देखें, इस तरह से मैंने ब्रेड क्रम्स लगा लगा कर रखती जाऊंगी और फिर लास्ट में हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, मैंने नगेट्स को ब्रेड क्रम लगाकर इस तरह से रेडी कर लिया है। अब हम इसको फ्राई करते हैं, तो चलिए अब हम इसको फ्राई करने लगे हैं। ये देखें व्यूअर्स, मैंने कढ़ाई में तेल डाल ली है, गर्म होगा। हमने बहुत ज्यादा इसको तेज गर्म नहीं रखना, हमने नॉर्मल इसको तेज गर्म रखना है। जैसे ये गर्म होता है हम इसके अंदर अपने नगेट्स जो हैं वो डालकर फ्राई करेंगे। अब हम इसमें एक एक करके अपने नगेट्स डालेंगे। ये देखें, बहुत तेज गर्म नहीं था, हमने नॉर्मल गर्म में किया है ताकि जो हमारे नगेट्स हैं वो अंदर तक अच्छे से पक जाएं। ये देखें व्यूअर्स, हमारे जो सारे नगेट्स हैं ये पककर तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनको डिश आउट करूंगी। ये देखें व्यूअर्स, हमारे जो नगेट्स हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और हमने इसको केचप के साथ सर्व किया है। अब मैं आपको आज ये एक नगेट जो है टेस्ट करके बताने लगी हूँ कि कैसे बने हैं हमारे नगेट। ये आप देख सकते हैं कि अंदर से हमारे बिल्कुल जैसे KNN के नगेट्स होते हैं बिल्कुल वैसे ही रेडी हुए हैं। ये देखें, ये बहुत ही सॉफ्ट है और जूसी है। इसको आप केचप के साथ भी टेस्ट कर सकते हैं और रायते की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसके साथ ही आज की हमारी ये रेसिपी कंप्लीट होती है। कल इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मगर जाने से पहले आप हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।